सरजमीन सिंध हजार वरियन का मोहन जो दड़ो आमरी जो दड़ो कोटली जी किलो जुदा जुदा कौमन तहजीब ए तमदन इल्म ए फन मुआशरती ए कौमी किरदारन जो कदीम तरीन मरकज़ रही है। इन धरती से केतरन ही तहजीबन जन्म वरतो जेके मुख्तलिफ़ कौमन जैमें दरावड़ आर्या सामी मंगोल ईरानी यूनानी अरब अर्गुन समन ए सूमरन के काहुन ए हुकूमतन के दौर में खिलकत में आयूँ उन मां कई पांजो वजूद विञाए वेठियूं। पाण हिते प्रचार कंदासूं मोमल राणे ससुई पुनू लेला चनेसर उमर मारुई ए दोदे चनेसरन जेड़न दास्तानन के जन्म ॾींदड़ 300 साला सूमरा दौर जो सूमरा दौर के किसन दास्तानन रीतुन रस्मुन ए रवाजन जूं त अनेक रवायतूं मिलन थियूं पर जेतरे कदुर गाल सूमरन जी असल नसल जी आहे त केतरन ही मोरखीन जो कलम जोलान खाए थो केतरा ही कलमकार कच्छ गुजरात ए सूरत जा सैर करे खेन हुतां जो राजपूत हुकुमरान सदिन था के अरब नसल सा गंढी दे वरी अरब मां सिंध में इंपोर्ट करे तानी पेटे मुसलमान साबित करण जी कोशिश कन था के खेन समेरी सदे सामी तहजीब जो बानी सदन था त के वरी खेन हितां जो असली बाशिंदो सदीन था। पाण सभिनी नज़रियन जो जाइज़ो वठंदासीं त मालूम थींदो त केतरनि ई किताबनि में सूमरन खे हिंदू राजपूत लिखियो वियो आहे मसलन मिर्ज़ा कलीज बेग जो किताब कदीम सिंध इंतिखाब तारीख़ ताहिरी सिंधी ॿोली जी तारीख़ जेम्स टॉट्स राजस्थान हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज एलियट मेजर जनरल हेग जो किताब इंडस डेल्टा कंट्री ऐं कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 में सूमरा कौम जो हिंदू राजपूत हुजण जा सबूत चिटियल आहिनि। जॾहिं त अंग्रेज़ मुहक़िक ऐं तारीख़दान एबट गुजराती तारीख़ुनि जी वर्क गिरानी कंदे साबित करे ॾेखारियो आहे त हो ज़मानो कच्छ गुजरात ऐं सूरत ते जेका राजपूत क़ौम हुकुमरान हुई सा सूमरा क़ौम आहे। हू वधीक लिखे थो त सूमरा असल हिंदू राजपूत हुआ पोइ करमती बणिया ऐं तंहिंखां पोइ शेख उल मशाइख मखदूम बहावलदीन ज़करिया मुल्तानी जे रूहानी फैज़ सां सचा मुसलमान थिया। ॿिए तरफ़ अरब नसुल जी पधराई कंदे साईं जी एम सैद पंहिंजे किताब सिंधु जी साजाह में लिखे थो त सिंधु में ज़ोरी मज़हब बदिलाइण जो दस्तूर कोन हो अरब उन ख़िलाफ़ हुकूमत ज़रिए अहिड़ा तरीक़ा अख़्तियार कया जो माण्हू या त अछूतनि वांगुरु रहनि या क़तल थियनि। सिंधियुनि खे अरबनि मारे मञाए मथनि रोब विहारे ग़लति प्रोपेगेंडा करे पंहिंजी क़ौम ऐं ज़बान जी बरतरीअ जो माण्हुनि ते धाको ॼमाए छॾियो हो। इन करे सिंधी माण्हू अरब नसल मां सॾाइणु अरबी ज़बान सिखणु ऐं पाण ते अरबी नाला रखाइणु लॻो। समाट असल में आर्या राजपूत नसुल मां हुआ से पाण खे अरब नसल मां सॾाइण में फ़ख्रु महसूसु करणु लॻा। तालीम याफ़्ता माण्हुनि खां हथरादू शजरा ऐं तारीख़ूं ठाराइणु लॻा। समा पाण खे रसूल सलाहु वसलम जे चाचे अबू लहब जी औलाद मां शुमार कराइणु लॻा। सूमरा पाण खे अलवी सादात सॾाइणु लॻा। कलोड़नि पंहिंजो शजरो नई हज़रत अब्बास ताईं पहुचायो ऐं अब्बासी सॾाइणु शुरू कयो। बलोचन अमीर हमज़े ताईं पहुची पाण खे उनजो औलाद सॾायो। सिंधु जा केतिरा ई माण्हू सैयद कुरेशी सिद्दीकी फारूकी ऐं अकीली वग़ैरह बणिजी विया। ॼण त सिंधु में अॻे माण्हू हुआ ई कोन उनखे अरबनि अची आबाद कयो हो। इन ई सिलसिले में कुझु ॻाल्हियूं वज़नाइतियूं ऐं ग़ौर करण जे क़ाबिल आहिनि। नंबर हिकु जेके अरबी नसुल क़ौमूं अरबनि जी हुकूमत वक़्तु सिंधु में आहियूं ऐं पोइ सिंधु में रहिजी वियूं तन मां का बि क़ौम सिंधु खां ॿाहिरि कच्छ गुजरात ऐं काठियावाड़ ॾांहुं कोन वई पर सूमरनि जी क़ौम क़दीम वक़्त में गुजरात कच्छ ऐं काठियावाड़ तरफ़ हुकुमरान क़ौम जी हैसियत रखंदड़ हुई। नंबर ॿ सूमरनि जूं रस्मूं अरबी नसुल जी तहज़ीब ऐं तमदुन जे बरख़िलाफ़ हुयूं।
नंबर टे चनेसर जो असल नालो चंदेश्वर हो जो हिंदू नस्ल जो पतो दिए थो। नंबर चार सूमरन के असल सोम राय भी चयो वियो आहे। हिंदी जबान में सोम जी माना आहे चंद याने चंद्रवंशी खानदान। मथेन हवालन जे बुनियाद ते चई सकजे थो त सूमरा असल राजपूत हुआ बाद में करमती बणिया ऐं तंहिंखां पोइ मुसलमान थिया। मौजूदा दौर में एक संगीन अहमियत जोगो मसलो यो भी आए आया मानू पंजी जात मा भरपूर खुश हुंदे जिंदगी बसर कन पया या वरी भी जात मा मुतासिर थी पान के उनन मंझा चवराण जो सिलसिलो हलाए अवामुल नास केड़न खसीस मामलन दा मुतवजा कयो पियो वने बजाय उनजे जो मासिस पंजी सोच जो महवर सियासी सूरत हाल कानूनी मसलन हुकूमती इदारन जो नाजायजू साइंस ए मजहब जो फर्क मजहब के नाले ते उसरियल दहशतगर्दी मुल्की मुआशी हालात बगैर कें टाइम टेबल के हुकुमरान की तकरारी ए तब्दीली अंदरूनी मुल्की हालात सेहत ए तालीम साइंस ए टेक्नोलॉजी की तरक्की ग्लोबलाइजेशन साइबर क्राइम का जान छड़ने जो हिकमत अमलियों मुल्क अंदर अनेक महकमन में सुधारा हुकूमती पॉलिसिन की आइनी तशरीह के बजाय अड़न गैर मामूली ए गैर अहम जातियाती निज़ाम के हथी वठाण लाए अवाम के बेवकूफ़ बनाने जो कोशिशों भरपूर अंदाज में क्यों पी वन ती अवाम पाँ मसायल का जान छड़ने लाए हुकूमत से रुजू न करे पांजे हुकूक लाए आवाज़ न उथारे यो सब अमली तौर ते कायम न कराए जे।